मौसम के कई रंग हैं, सर्दी गर्मी, और अब मौसम जल्दी से बदलने वाला है। और बदलते मौसम के साथ ही आसपास नजर आने लगेंगी बहुत सी ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत सी अलग तरीके की स्नैक्स, सर्दियों के नए नए हॉट हॉट डिशेस। तो उसमें अब एक और चीज जो हमें अवेलेबल हो जाएगी इजली, वो है शक्करकंदी। यहाँ अब आने वाले सीजन में मार्केट में बहुत इजली शक्करकंदी मिल जाएगी। और इस फेवरेट स्नैक्स को बनाने के कई ढंग हैं। पहले जमाने में तो इसे मिट्टी में या जो अंगीठी लगाई जाती थी उसमें नीचे लगाया जाता था, और उन चीज़ों का जो टेस्ट रहता था वो अपने आप में बहुत अजब रहता है। उसकी जो मिठास चीज़ की रहती है वो उसके अंदर समाई रहती है, वो फीका नहीं होता है। तो इसके बनाने के कई ढंग में से आज मैं आपको कुछ फेवरेट इजी और परफेक्ट तरीके बताने वाली हूँ शक्करकंदी बनाने के, तो वो भी आजमाइए, तो शायद आपको पुराने मिठास की याद आ जाए। तो यहाँ जो सबसे पहला तरीका है उसमें हम शक्करकंदियों को वॉश कर लेना है पहले बाहर। इसको एक फ्राई पैन लेना है, ये फ्राई पैन आपको कोई नॉन स्टिक लेने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल जो भी आपके पास अवेलेबल फ्राई पैन है सिंपल वो ले लीजिए। आप चाहें तो कड़ाही भी ले सकते हैं, बस इतना छोटा उसका साइज नहीं होना चाहिए कड़ाही या फ्राई पैन का कि उसमें शक्करकंदी ना आए। अब नेक्स्ट क्या करना है, कोई हमें शक्करकंदी को पील नहीं करना है, कट नहीं करना है क्योंकि डिफ़िकल्टीज तो किसी को पसंद नहीं है। जहां कुकिंग में डिफ़िकल्टीज कॉम्प्लिकेशंस आई तो वो चीज़ कहां से टेस्टी लगेगी। तो जी हां, आपको यहां कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं करना है। इस फ्राई पैन या कढ़ाई, यहां मैं फ्राई पैन में शो कर रही हूँ, सेम प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हैं कढ़ाई में, और वॉश्ड शक्करकंदियों को डाल देना है। इसके नो ऑयल कुछ भी नहीं ऐड करना है। जी हाँ, इस खाली कढ़ाई में जिसमें ना कोई पानी डाला है हमने, कुछ नहीं डाला है, बस इस खाली कढ़ाई में आपको इनको डाल देना है। कोई नमक नहीं, कुछ नहीं कुछ डालना है। और इसको इस तरीके से फ्राई पैन में रखने के बाद इनमें आपको इसको कवर कर देना है। ये यहाँ ज़रूर ध्यान रखिए कि हमने इन शक्करकंदियों को पहले वॉश किया है, बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए ये, तो गीली हमने जो ऊपर से वॉश करने पर ही बस जितना इसमें पानी लग जाएगा उतना ही हमें इसको मॉइस्चर चाहिए। तो हमने इसको फ्राई पैन में रख दिया और ऊपर से लिड से कवर कर दिया। लिड से कवर करने के बाद आपको थोड़ी देर बाद इसको करना सिर्फ इतना है कि आप इसको फ्लेम को स्लो कर दीजिए, और उसके बाद इसकी साइड आपको थोड़ी देर बाद टर्न करने की ज़रूरत हो सकती है। दैट्स इट, और ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। बस थोड़ी देर बाद आप हमें जब लगे कि नीचे वाली साइड जो बॉटम की साइड है वो कुक हो गई है, तो आप थोड़ा सा किसी लैडल से या स्पून से इसका साइड टर्न कर दीजिए। बस थोड़ी ही देर में जब आप देखेंगे ये टर्न करते करते 15 मिनट्स के नियर अबाउट, बाकी इट डिपेंड्स ऑन द साइज क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ द शक्करकंदी, बट जनरली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। तो आप उनकी साइड्स इस तरीके से चेंज करते जाइए और इसको हल्का सा प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं, तो ये सॉफ्ट होंगी तो पता लग जाएगा। और इस तरीके से बनाई गई शक्करकंदियों की मिठास भी कहीं नहीं जाती है क्योंकि हमने इनको बॉयल नहीं करा है। बॉयल करने से जो इनका जो नेचुरल जो स्वीटनेस होती है, जिसके कारण वी लव दिस शक्करकंदी फ्लेवर, वी लव दिस शक्करकंदी स्नैक्स, वो पानी में घुल कर निकल जाती है। और एक्स्ट्रा मीठा डाल के जो बनाया जाता है, जो गुड़ वाला तरीका रहता है शक्करकंदी का, उसमें गुड़ का या चीनी का जो फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाता है, फिर भी हमारी जो नेचुरल मिठास रहती है शक्करकंदी वो कहीं खो जाती है, कहीं गुम हो जाती है। तो अब जब बनाएंगे आप इस तरीके से कड़ाही में शक्करकंदी, तो इसकी मिठास कहीं नहीं घूमने जाएगी, शक्करकंदी के अंदर ही रहेगी और उसको हम इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुक हो जाएगी, कोई आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस एक बार ही करना है, तो आपको इसको ट्राई करना है। ट्राई दिस वे और देन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स कि ये तरीका आपको कैसा लगा। यहाँ पहले अगर आपको वीडियो का आइडिया आ गया पसंद, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए थम्स अप का आइकन क्लिक करके। अगर नहीं करा सब्सक्राइब अभी तक, तो आपको नीचे दिए गए हुए रेड आइकन को क्लिक करके होगा जरूर को सब्सक्राइब करना है,
और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल का आइकन ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि बेल का आइकन क्लिक किए बिना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में नहीं पहुंच पाएगा। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में नई नोटिफिकेशन के साथ। टिल देन, नए आइडिया के साथ, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।